हेलो एवरीवन, वेलकम टू बजट 2024 पार्ट टू। जी हाँ, ये बजट 2024 का पार्ट टू है। पार्ट वन में आपने बजट 2024 के ओवरव्यू के बारे में देखा, उसमें पब्लिक डेब्ट और प्राइवेट सेक्टर के रोल के बारे में मैंने आपको बताया था, साथ ही उसके की हाइलाइट्स के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम बजट 2024 के फिस्कल प्रूडेंस और उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो बजट 2024 के फिस्कल प्रूडेंस और उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें, पूरी वीडियो ज़रूर देखें, और अगर जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बजट 2024 के बारे में डीपली जान पाएँ और उसे समझ पाएँ। साथ ही इसी तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज फिस्कल प्रूडेंस। फिस्कल प्रूडेंस क्या है? ये शब्द आपने कई बार सुना होगा, पिछले वीडियो में भी मैंने फिस्कल प्रूडेंस का जिक्र किया था। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि फिस्कल प्रूडेंस क्या है। फिस्कल प्रूडेंस का मतलब है गवर्नमेंट फाइनेंसेस को केयरफुली मैनेज करना, ताकि इकोनॉमी स्टेबल और हेल्दी रहे। इसका मतलब है रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस लेना, पब्लिक स्पेंडिंग, रेवेन्यू जनरेशन, बोरोइंग्स और डेब्ट मैनेजमेंट के एरियाज में। तो ये था फिस्कल प्रूडेंस के बारे में कि फिस्कल प्रूडेंस क्या होता है। अब देखते हैं बजट 2024 में फिस्कल प्रूडेंस की सिग्निफिकेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैक्रो लेवल पर फिस्कल प्रूडेंस का क्या इम्पैक्ट है। तो ये हम कुछ पॉइंट्स में देखेंगे। तो सबसे पहला है डेब्ट सस्टेनेबिलिटी। फिस्कल डेफिसिट को 4.9% ऑफ जीडीपी पे मेंटेन करना डेब्ट को कंट्रोल में रखता है, जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ के लिए जरूरी है। सेकंड है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। अच्छी फिस्कल मैनेजमेंट से इन्वेस्टर्स को ट्रस्ट होता है कि गवर्नमेंट फाइनेंशियली स्टेबल है, जो इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करता है। थर्ड इज क्रेडिट रेटिंग। लोअर डेफिसिट और डिसिप्लिन्ड पॉलिसीज से क्रेडिट रेटिंग्स इम्प्रूव होती हैं, जो बोरोइंग कॉस्ट को कम करता है। तो ये आपने देखा कि फिस्कल प्रूडेंस किस तरह से मैक्रो लेवल पर इम्पैक्ट करता है। अब आइए देखते हैं कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे किस तरह से ये इम्पैक्ट करता है। तो सबसे पहला है इन्फ्लेशन कंट्रोल। डेफिसिट को मैनेज करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, जो इकोनॉमी को स्टेबल करता है। सेकेंड इज इफेक्टिव स्टिमुलस। प्रूडेंट पॉलिसीज इंश्योर करती हैं कि गवर्नमेंट जो भी इकोनॉमिक बूस्ट दे वो इफेक्टिव हो और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करें। थर्ड इज बैलेंस्ड बजट्स। इकोनॉमिक डाउनटर्न्स में डेफिसिट रन करना और ग्रोथ के टाइम पर सरप्लसेस जनरेट करना ज़रूरी है। ये आपने देखा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर फिस्कल प्रूडेंस का इम्पैक्ट। अब आइए देखते हैं ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के बारे में। फिस्कल प्रूडेंस ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करता है। ये इंश्योर करता है कि पब्लिक फंड्स इफिशियंटली यूज हों और सिटीजन्स का ट्रस्ट बिल्ड हो। अब आइए देखते हैं कि बजट 2024 में गवर्नमेंट किस तरह से फिस्कल प्रूडेंस और इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव कर रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेवेन्यू अजम्पशंस और एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहला है रेवेन्यू प्रोजेक्शंस। गवर्नमेंट ने टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ को 10.8% प्रोजेक्ट किया है, जो रियलिस्टिक रेवेन्यू टारगेट्स इंश्योर करता है। सेकंड है क्वालिटी ऑफ स्पेंडिंग। कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करके प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ को बूस्ट करना फोकस है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और सेक्टरल फोकस के बारे में। तो पहला है सेक्टरल इन्वेस्टमेंट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स किए जा रहे हैं। और दूसरा है एक्सपोर्ट प्रमोशन। कस्टम ड्यूटीज रिड्यूस करके एक्सपोर्ट को बूस्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्रूडेंस और मार्केट स्टेबिलिटी के बारे में। पहला है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स से ट्रांसपेरेंसी और रिस्क मैनेजमेंट इम्प्रूव होता है। दूसरा है मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसीज। टैरिफ्स को रैशनलाइज करके और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इन्हांस करके प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स को इंकरेज किया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्ट्रेटजी के बारे में। तो पहला है कॉम्पिटिटिवनेस एंड इक्विटी। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से इंडिया की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इन्हांस होगी
और रीजनल डिस्पार्टीज रिड्यूस होंगी। सेकेंड इज लैंड एंड लेबर रिफॉर्म्स, लैंड एक्विजिशन एंड लेबर लॉज को रिफॉर्म किया जा रहा है। थर्ड इज कैपिटल रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल सेक्टर और टैक्स रिफॉर्म भी इंक्लूड हैं। तो ये थे बजट 2024 के फिस्कल प्रूडेंस और इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रेटजी के की पॉइंट्स। तो आपको क्या लगता है इन स्ट्रेटजीज के बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको बजट 2024 के बारे में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और आशा करती हूँ कि बजट 2024 के बारे में ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसे मैंने दो पार्ट में एक्सप्लेन किया है, दोनों पार्ट्स आपको बजट 2024 की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बजट 2024 के बारे में जान पाएँ, समझ पाएँ। साथ ही इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे इस YouTube चैनल टैक्स लामा को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपसे छूटने ना पाएं। थैंक यू।